नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सुख और वास्तु दोष के बारे में। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का संतान उत्पन्न में बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ वर्ष हो गए हैं और आपको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो यह वास्तु दोष के कारण हो सकता है। शारीरिक चिकित्सा के साथ साथ अगर घर के वास्तु को नियम अनुसार कराया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति में सहायक होता है। बताएं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अलग अलग दिशाओं से प्राप्त ऊर्जा क्षेत्र से निर्धारित होते हैं। अगर घर के ऊर्जा क्षेत्र प्रकृति की ऊर्जा के सामंजस्य में होते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। पर अगर कुछ ऊर्जा क्षेत्र प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र के विरोध में होते हैं तो जीवन के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होता है जिनके वह कारक है। ऊर्जा क्षेत्र मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे कि धन की स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति, संतान इत्यादि। ज्योतिष और वास्तु के उन सिद्धांतों के बारे में जो संतान प्राप्ति में सहायक और सिद्ध होते हैं, अगर घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां, पेशाब घर आदि का होना संतान सुख में रुकावट डालता है। ईशान कोण के पूरी तरह अविरुद्ध होना संतान प्राप्ति में बाधा डालता है। घर का मुख्य द्वार पश्चिम के 20 पद या उत्तर दिशा में 27 पद या उत्तर में 29 पद खोले जाने पर पुत्र संतान प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल रूप से बढ़ जाती है। घर का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा की ओर दूसरे पद में खुलता हो तो कन्या जन्म लेती है। कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखें। बाल गोपाल की आराधना से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। पति पत्नी बाई दिशा में सोए, पत्नी का बिस्तर छत की बीम के नीचे ना हो। संतान प्राप्ति के लिए हाथी का चित्र बेडरूम में लगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।